हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कश्मीरा एंड आज के वीडियो में हम गणपति बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम ये किट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल में थोड़ा सा एक ऑयल ले लेंगे, कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऑयल ले लो। और हम ऑयल इस मोल्ड के अंदर लगा रहे हैं। आप वूल से भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली हाथ से भी उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम पूरे मोल्ड को वो अच्छे से लगा देंगे पहले। और फिर हम क्ले यूज़ करेंगे। तो ये जो क्ले है इसको कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेडी टू यूज़ है। तो जैसे मिला है वैसे डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेंगे और ये जो वुल है वो ऐड करके उसको मिक्स कर देंगे। और ऐसे एक 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 पोर्शन हम उस मोल्ड पे लगा देंगे। और हर बार जब आप एक और पीस ऐड कर रहे हो उसमें, तब उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देना, मतलब वो जो मोल्ड है वो अच्छे से उसको शेप में आ जाए वो क्ले और वो सब। और कुछ गैप्स नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर गैप्स रहेंगे तो आगे क्रैक जैसा दिखेगा या फिर जो शेप है वो पर्टिकुलरली अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए हर बार जब आप कोई और नया पीस उसके ऊपर ऐड कर रहे हो तो उसको अच्छे से इसे प्रेस कर देना, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस रिपीट करके हम इस पूरे मोल्ड में सारा क्ले भर देंगे। और ये जो क्ले दिया हुआ है ये काफ़ी अमाउंट में है, तो आपको कम नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर इसको कम नहीं पड़ेगा, बचेगा शायद ये। हर साल जो गणपति रहता है वो शाडू माती का बनाती हूँ मैं, और इसमें मैं मोल्ड यूज़ नहीं करती। बट ये वाला जो किट है इसमें आपको मोल्ड भी मिल जाएगा। तो इवन घर पे आपके बच्चे हैं छोटे, उनको अगर बनाना है गणपति, तो ये बेस्ट किट है, ईजीली अवेलेबल है और ईजीली आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके गणपति बना भी सकते हो। तो सी, जैसे अभी हमारा ये प्रोसेस हो चुका है पूरा, अब किसी किसी जगह पे आपको अगर लगता है कि थोड़ा बहुत कम है तो उसमें ऐड कर दो। और हम उसको प्लेन करने वाले हैं, अब जो उसका बैक साइड है वो अच्छे से प्लेन कर देंगे। तो प्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे, और पानी यूज़ करके उसका जो पीछे का सरफेस है उसको एक स्ट्रेट लाइन में करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैं कह रही थी कि छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है मट्टी और इस सब से खेलना, यू नो। तो ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको परचेस करना है तो आप उस लिंक पे जाके परचेस कर सकते हो। और मेरा कोड भी है, वो भी यूज़ कर सकते हो, आपको 5% एक्स्ट्रा भी ऑफ मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम इसको 24 आवर्स तक रखेंगे। और ये जो बचा हुआ क्ले है वो हम यूज़ करेंगे उसके बेस के लिए, क्योंकि अब ये गणपति तो हो गया बट वो अच्छे से स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए ना, इसलिए हमें बेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेस हम कल क्रिएट करेंगे आफ्टर 24 आवर्स। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। तो 24 आवर्स के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा है इसमें पानी, मतलब ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, बट वो भी ड्राई हो जाएगा। बट हम मोल्ड को निकाल सकते हैं अब। सी, ये कितना इजीली निकल गया। दैट्स बिकॉज हमने ऑयल लगाया था, तो ऑयल की वजह से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, नहीं तो हमें एग्जैक्ट वो शेप नहीं मिलता। तो वो स्टेप कभी मत भूलना, पहले ऑयल लगा देना। अब हम बेस क्रिएट करेंगे। बेस क्रिएट करने के लिए हम एक ऐसा शेप क्रिएट करेंगे, जैसे गणपति का बेस है वैसा ही शेप हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जितना भी क्ले है उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ पहले। तो और अगर आपको थोड़ा हार्ड जा रहा है ना ये, तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा मत यूज़ करना, थोड़ा सा ही करना। पानी से आप उसको शेप्स और वो सब दे सकते हो। और अगर आपके पास टूल्स है तो वो यूज़ करके भी आप ये मोल्ड को आप चाहे जैसा शेप दे सकते हो।
तो ये हमारा बेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम हमारा जो गणपति बना हुआ है वो रख देंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे अंदर के साइड। ओके, अब ये जो आगे का पोर्शन है इसमें हमें एक थोड़ा सा क्ले लगाना पड़ेगा उसको। सिंपल ऐसे यूज करके थोड़ा सा पानी लगा के उसको फील कर दो वो गैप्स। सेम चीज हम पीछे के साइड में भी करेंगे। ये सिर्फ हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो गणपति है वो और बेस एक इसमें करना है, मतलब एक ही मूर्ति ऐसा करना है। फिर जो बचा हुआ एक्सेस पोर्शन है वो हम कट कर देंगे और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको भी 24 आवर्स तक ड्राई होने देंगे और फिर ड्राई होने के बाद हम इस गणपति को कलर करेंगे। तो एज यू कैन सी ड्राई हो चुकी है, बहुत जगह पे पूरा ड्राई दिख रहा है एंड कहीं कहीं पे थोड़ा सा गीला है, बट वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द पेंट। तो हम पहले वाइट एक्रेलिक कलर देंगे और इसके लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। हम पूरी मूर्ति को वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई करेंगे। वाइट एक्रेलिक कलर एज अ बेस कोट आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप जेसो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ड्राई होने के बाद ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम पूरी मूर्ति को पेंट करेंगे नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स यूज़ करके। एक्रेलिक कलर्स वर्क्स बेस्ट, सो एक्रेलिक कलर्स ही हम यूज़ करेंगे। स्किन टोन के लिए स्किन कलर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जो मुकुट है उसके लिए मैं येलो कलर एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर हम पाउडर फॉर्म में जो आते हैं एक्रेलिक्स वो यूज़ करने वाले हैं। कलर कॉम्बिनेशंस आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो कलर आप चूज़ करो। और डेकोरेट करने के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे अभी जो मुकुट और ये सब है इसके लिए मैं पाउडर फॉर्म के जो एक्रेलिक्स है वो यूज़ कर रही हूँ। वो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, मंदिर में भी मैंने वो यूज़ किया था मंदिर के लिए। तो वो पाउडर फॉर्म में आता है और उसको मीडियम के साथ मिक्स करना पड़ता है, और या फिर आप किसी और एक्रेलिक कलर के साथ भी उसको मिक्स कर सकते हो। और थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए आप 3D लाइनर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेटालिक गोल्ड का 3D लाइनर यूज़ किया था, प्लस मैंने ग्लिटर वाला भी 3D लाइनर यूज़ किया है जगह जगह पे। एज यू कैन सी डॉट्स और वो सब देने के लिए मैंने यूज़ किया है। वो ग्लिटर वाला जो है वो जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद वो ग्लिटर जैसे चमकता है वैसे चमकेगा इसलिए। फिर आप डिटेलिंग के लिए रेड कलर यूज़ कर लेना, क्रिम्सन या फिर कोरल जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा केयरफुली देखना, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आँखें। अगर आँखें अच्छी नहीं आती है तो पूरी मूर्ति आप कितना भी अच्छा बना लो इतनी अच्छी नहीं दिखती, इसलिए आँखों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। मेक श्योर कि दोनों आँखें सिमिलर दिख रही है। तो मूर्ति की डिटेलिंग और वो सब हो चुकी है। अब जो बेस है, जो बेस बनाया था हमने वो बाकी है, तो उसको भी आप कोई भी अच्छा सा कलर दे सकते हो। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्लिटर स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और एज यू कैन सी कि मैंने मुकुट पे थोड़े स्टोन्स लगाए हैं, वही स्टोन्स हैं जो मैंने मंदिर के लिए यूज़ किए थे, वही स्टोन्स हैं। उसकी जगह पे आप जो डायमंड वाले स्टोन्स आते हैं वो भी लगा सकते हो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये है हमारे गणपति जी के मूर्ति का फाइनल लुक।
यहाँ पे आप सारा डिटेलिंग का पार्ट देख सकते हो। ये गणपति मैंने नेचुरल क्ले से बनाया है। ये मोल्ड एंड मेक नेचुरल क्ले की एक किट है जिसमें आपको मोल्ड मिल जाएगा। ये ऐसा वाला मोल्ड इसमें है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का एक शीट मिल जाएगा जिसमें सारे स्टेप्स दिए हुए रहेंगे, और ये एक वूल रहेगी और क्ले रहेगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।